मेजर शेरली फौज से रिटायर होकर जब वापस आए उन्होंने आकर समाजी काम शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने वेलफेयर ज्वाइन कर ली, मुस्कान वेलफेयर। वो इस वेलफेयर के कामों से मुतमिन होकर उसमें शामिल हो गए और वेलफेयर का मिशन लेकर अपने आबाई गांव रवाना हो गए। जब शेर अली अपने गांव पहुंचे तो उनका गांव वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। एक छोटा सा मौसीक का प्रोग्राम भी रखा गया। फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। मेजर साहब ने लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, जिसको सुनकर गांव वालों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने मेजर साहब का साथ देने का वादा किया और कहा कि आप हमारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं। फिर एक दिन मेजर साहब ने वेलफेयर के चेयरमैन हाजी अब्दुल गफ्फार अब्बासी को अपने गांव बुलवाया और गांव के लोगों से मिलवाया। हाजी साहब ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो लोग वेलफेयर में शामिल हुए। हाजी साहब ने उन लोगों से खिताब भी किया। हाजी साहब पूरी टीम के साथ गए और मुस्कान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के कारकुनों ने भी खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ साथियों और गोट के रहने वालों, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारी मुस्कान वेलफेयर आपके गांव में और आपके इलाके में जो काम कर रही है और करना चाहती है वो है तालीम। तालीम के हवाले से हम चाहते हैं कि हमारे सब गांव के लोग मिलकर इस काम को करें। ये काम कोई मुश्किल नहीं है। हम आज अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए ख़ुद हमें आगे बढ़ना होगा। हुकूमती सतह पर जो इकदाम किए गए उनके अंदर बहुत कोताहियाँ हैं, बहुत कमज़ोरियाँ हैं। जो तालीम हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा बुनियादी आइनी और कानूनी हक है, वो हमें नहीं मिल पा रहा। लिहाजा हम इस बात का अहद करते हैं आज कि हम तमाम अपने गांव और शहर के लोगों को तालीम फराहम करने में मदद दें। मुस्कान सोशल वेलफेयर तालीम, सेहत और रोज़गार के जो काम कर रही है वो चाहती है कि आप लोगों की हालात को बेहतर किया जा सके, जो आपका बुनियादी हक है उसको दिलाया जा सके। इसमें हमें आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शामिल होंगे वो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा पहुँचेगा और वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छा इंसान बना सकें। तालीम इंसान को शऊर देती है। तालीम इंसान को शऊर देती है, आगाही देती है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान देती है और माशरे में एक अच्छा मकाम देती है। तालीम नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है, तालीम अपने आप को संवारने के लिए। तालीम के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो सिर्फ तालीम ही एक ज़रिया है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। हम हुकूमत वक्त और हमारे इलाके में रहने और बसने वाले ये सब लोग हमारे हैं, हुकूमत भी हमारी है और हम इस पाकिस्तान के रहने वाले बासी हैं। हम अपने कानून और आइन के तहत अपना हक चाहते हैं। मुस्कान वेलफेयर एक गैर सियासी तंजीम है जो वो चाहती है कि शहर के और गांव के लोगों को यकसर तालीम के मौके हासिल हों। इस प्रोग्राम को करने में और ताउन करने में अब्दुल करीम साहब जो इस इलाके के मैनेजर हैं और एक अच्छे बासर इंसान हैं, हम उनके बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काम के लिए अपना वक्त दिया, ताउन दिया, जगह फराहम की और लोगों के लिए एक अच्छी जगह फराहम करने पर हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हम अब्दुल करीम साहब को खुशामदीद कहते हैं कि हमारी वेलफेयर में वो आएँ और हमारा हाथ बटाएँ और हम इनके साथ मिलकर शाना बशाना इस गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। और वो जो मालकान हैं इस गांव के, हम उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और लोगों को यहाँ आने का एक मौका दिया।
हम उनके बड़े मशहूर हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं और अपने किसान भाइयों के लिए, अपने जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी कोई फलाही तंजीमों को साथ लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें और हम सब उनकी खिदमत करें ताकि वो हमारे साथ काम कर सकें। मैं अब्दुल करीम साहब को अपने स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो भी अपने कुछ चंद अल्फाज हमारे इस वेलफेयर के इदारे के लिए कहें। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, बहन लोग, बच्चे लोग। ये भाई लोग का आया हुआ कहाँ से हम लोग के साथ ताउन कर रहे हैं अपना दिल के साथ, और पढ़ाई बढ़ाते हैं और बच्चों का मुस्तकबिल बढ़ाते हैं और बच्चों के लिए मेहनत बढ़ाते हैं, बच्चों को ले स्कूल सारी बातें अच्छे करते हैं। तो ये उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो उसका शुक्रिया है कि ये हम लोग के साथ इतना ताउन करते हैं और हम लोग उसका शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर आकर जितनी इज़्ज़त अफजाई हमारी मुस्कान विल्फर की है, खुदा पाक आप लोगों की इज़्ज़त महफूज रखे और अल्लाह मियाँ आप सबको तरक्की दे। जिस तरफ गामजन है अल्लाह मियाँ कामयाबी के कदम चूमें आपके, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोगों ने ताउन किया। जितने भी हमारे कारकुन हैं माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी विल्फर के साथ सच्चे हैं, इंशाल्लाह विल्फर उनका भरपूर ख्याल करेगी। और मैं ये चाहूँगा कि वो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत करें, दोस्तों को भी लाएं, उनसे भी ये कहें कि मुस्कान विल्फर इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कोई है नहीं। तालीम हर उम्र के लिहाज से भाई साहब का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, अल्लाह भाई साहब को हयाती दे, ज़िंदगी दे और यूँ ही हमारे सरों पर सलामत रहें। खुदा करे ये प्रोग्राम चलते रहें भाई साहब की सरपरस्ती में, क्योंकि बड़ी लगन है, बड़ी मेहनत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने उनको सब कुछ दिया है, वो अगर ना करें तो उनको परवाह नहीं है, वो आराम से बैठ सकते हैं, मगर ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें, ये गरीब लोग आगे बढ़ें और इन लोगों की हौसला अफजाई की जाए। अगर ये इनका आप भरपूर साथ देंगे भाई साहब का, तो इंशाल्लाह हाजी साहब की सरपरस्ती में आप बहुत आगे जाएंगे। जहाँ जहाँ भाई साहब की ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब इंशाल्लाह दिन रात आपके सर पे खड़े होंगे, ये मेरा आपसे वादा है, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। आप भाई साहब से तावन करें, इंशाल्लाह भाई साहब कदम ब कदम आप शाना बशाना आपके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। बच्चियों की शादियाँ, लावारिस बच्चों की मदद करना, बच्चों को तालीम दिलवाना, उनके रोज़गार का मसला इंशाल्लाह हाजी साहब सबका ये मसला हल करेंगे, अल्लाह करेगा आई सब हल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बच्चे क्लास में और असातिज़ा और टीचर्स और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज ये तालीम के बारे में यहाँ पर हम लोग आए हैं, बच्चों के ये प्रोग्राम किया है हाजी साहब ने, बच्चों की नियत किताबें और सर्टिफिकेट देने की नहीं है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आज हमें, और शुक्रिया इनका हाजी साहब का जो यहाँ प्रोग्राम रखा और जिन्होंने यहाँ पर जगह दी है, सबसे बड़ी बात ये जगह की, ठीक है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग जो यहाँ बच्चों को यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। इनको हम तालीम के हिसाब से कोर्स दिए हैं, अभी ये सर्टिफिकेट दिए इनके कारकर्दगी के हिसाब से, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके टाटा मोहम्मद खान में। शुक्रिया, मैं तो हाजी साहब की मशहूर हूँ बहुत ज़्यादा कि इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर और है ना हमें दावत दी, हम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और हम इनके साथ हैं और हम भी इनके मेंबर बनना चाहते हैं। मेहरबानी। हाजी गफ्फार साहब के ऑनर में कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, जो कहते हैं करते हैं, बच्चों के लिए तालीम का करा है इन्होंने, गरीबों की बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं। आखिर में हो जमालो भी पेश किया गया जिसमें सब ने भरपूर शिरकत की। मुस्कान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कामयाबी की तरफ रवा दवा है, दिन रात मुस्तहिक गरीब अफराद के लिए काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब मुस्कान वेलफेयर पाकिस्तान के कोने कोने में अपने मिशन को पहुंचाने में ज़रूर कामयाब होगी। तालीम सबके लिए,
घर घर ये पैगाम, हर घर, बच्चा बूढ़ा नौजवान, औरतें नौजवान लड़कियां, सबके लिए एक ही पैगाम, तालीम सबके लिए। पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल जे घरन में हजार न जायूं, सिंध में जीरी ता सिक भरी पीता, नची नची यारो अंत एकड़ो।